कुंभ राशि के जातकों के लिए जाने साल 2024 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं कौन सी है 10 बड़ी भविष्यवाणी। नंबर 1, साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और आपके तीसरे भाव में उनका गोचर है। ऐसे में साल के शुरू के 4 महीने आपको गुरु के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देव गुरु की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी, लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसके अलावा भाई बहनों के बीच प्रेम में वृद्धि होगी। देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2024 छात्र वर्ग के लिए कई मायनों में सुनहरा साबित होगा। आपको अपने पढ़ाई का पूरा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 2, नव ग्रहों में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि पूरे वर्ष आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। उनकी कृपा से राजयोग का निर्माण भी हो रहा है और आपकी 7.5 भी मध्यम चरण में है। साल 2024 में आपके अनेक अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। इस साल आपको अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके करियर की उड़ान अभी भरनी बाकी है। शनि देव की कृपा से आप खूब मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे। व्यापार में भी वृद्धि के योग शनि की कृपा से दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में 14 अप्रैल को गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद उनकी युति देव गुरु बृहस्पति से होगी। आपके तीसरे भाव में उच्च के सूर्य जब गुरु से युति करेंगे तो एक पराक्रम योग बनेगा। ऐसे में आपको इस योग के बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। खासतौर से परिवार में जो मुखिया है उन्हें ये योग अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके परिवार में किसी धार्मिक कथा का आयोजन भी हो सकता है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को भी बढ़िया सफलता प्राप्त होगी। नंबर 4, देव गुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा गोचर 1 मई को होगा जब वो वृष राशि में प्रवेश कर आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। मई के बाद पूरे वर्ष वो आपके इस भाव में ही गोचर करने वाले हैं। गुरु की कृपा से आपको अपने काम में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष से अच्छा आर्थिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप अपनी कोई नई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। साल के आखिरी कुछ महीनों में देवगुरु की कृपा के से आपको विदेश से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 5, जब देव गुरु वृष राशि में गोचर करेंगे तो वो अपनी दृष्टि से आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे और उसी समय शनि की दृष्टि भी उसी भाव पर होगी। ऐसे में आपका दशम भाव गुरु शनि से प्रभावित होगा। ये समय राजनीति और धर्म से जुड़े जातकों के लिए भी शुभ रहने वाला है। कानून की पढ़ाई पढ़ रहे छात्रों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। अगर आप किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं तो आपको शनि गुरु की कृपा से राहत मिल सकती है। आपको अपने ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। नंबर 6, ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर शनि से युति करेंगे और 23 अप्रैल तक इसी भाव में शनि के साथ विराजमान रहने वाले हैं। लग्न में 2 पाप ग्रह की युति से आपके जीवन में क्रोध की अधिकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके साथ वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। इस समय आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि क्रोध में आकर किसी से भी ऐसे वचन नहीं बोले जो आने वाले समय में आपके दुख का कारण बन जाए। नंबर 7, कुंभ राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर पूरे साल दूसरे भाव में होगा। इस भाव में बैठकर राहु आपके धन, परिवार और वाणी को प्रभावित करेंगे। इस वर्ष आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस राहु के कारण आपके शत्रु नष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी की जा सकती है। राहु का ये गोचर गूढ़ विद्या में रुचि रखने वाले जातकों को मदद करने वाला होगा। पारिवारिक काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी हो सकती है। नंबर 8,
कुंभ राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु का गोचर पूरे साल दूसरे भाव में होगा। इस भाव में बैठकर राहु आपके धन, परिवार और वाणी को प्रभावित करेंगे। इस वर्ष आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस राहु के कारण आपके शत्रु नष्ट भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश भी की जा सकती है। राहु का ये गोचर गूढ़ विद्या में रुचि रखने वाले जातकों को मदद करने वाला होगा। पारिवारिक काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी हो सकती है। नंबर 9। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2024 में रहस्य के कारक केतु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। इस भाव में केतु का गोचर आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित हो सकता है। आपको पेट की शल्य क्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इस समय आप कोर्ट के मामले में ना ही उलझे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर से उचित स्वास्थ्य परामर्श लेते रहिए। बाकी तंत्र मंत्र और ज्योतिष में रुचि रखने वाले जातकों को केतु अच्छी प्रसिद्धि देगा। नंबर 10। प्रेम संबंधों के नजरिए से देखें तो साल 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इस साल न सिर्फ आपके प्रेमी से आपकी मुलाकात होगी, बल्कि आपके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव होगा। जो प्रेम में है उनके विवाह की मंजूरी मिलने का काम इस साल हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपकी पत्नी आपके लिए बेहद मददगार है और आपको सभी प्रकार के सुख देने की कोशिश करेगी। अगर आप महिला है तो अपने पति के साथ रोमांस करते हुए पूरा साल निकाल दीजिए, समय आपका है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।